अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ गुड़गट्टा। तो इसके इंग्रेडिएंट कुछ ऐसे हैं, ये मैंने इसमें पैन में डाला है देसी घी। अभी इसमें डालूंगी मैं गुड़, साथ में थोड़ा सा पानी के साथ चाहिए होंगे तिल, बेकिंग पाउडर और देसी घी। बस अभी देसी घी में मैंने पानी डाल के साथ में गुड़ डाल दिया। अभी इसको मैं हल्की आंच पे तब तक बनाऊंगी जब तक ये इसकी जो गुठलियाँ हैं वो पेस्ट की शक्ल तैयार ना कर जाए जी। तो अभी ये मेल्ट हो गया है, गुड़ मेरा मेल्ट हो गया। अभी इसको मैं अच्छी तरह पकाऊंगी। साथ ही ये पैन मैंने ग्रीस करके रख लिया है पलटने के लिए। इसको मैं अच्छी तरह पकाऊंगी। जब तक तो ये गाढ़ा नहीं हो जाता तब भी इसमें डालूंगी थोड़ा सा तेल, थोड़े से बचा के रखूंगी ऊपर डालने के लिए। डालूंगी थोड़ा सा देसी घी। बेकिंग सोडा मैं फौरन पलट लूंगी। ये अभी इसको मैंने पलट लिया है। अभी इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़े से तेल, ये हमारा गुड़गट्टा हो गया रेडी। इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। इसके बाद इसको मैं तोड़ूंगी और आपको दिखाऊंगी कैसा बना है। कितना कड़क हो गया, ओली कितने मजे ले लेके खा रहा। अली अच्छा है ना? कड़क और मज़े का बना है। मुझे इतनी मोटी लेयर लेयर नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने थोड़े बड़े वाले पैन में डाला है। बहुत मज़े का तैयार हुआ ये। आप भी अपने घर में बनाइए, अपने बच्चों के साथ बैठ के खाइए। मेरा बच्चा तो खा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं आज बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल राइस। मिक्स वेजिटेबल पुलाव नहीं है, मिक्स वेजिटेबल सिंपल राइस है। क्योंकि तो मैंने ये देखे कि ओनियन ब्राउन नहीं किए, बस ऐसे ही मैंने ओनियन डाल के उसको सिर्फ 1 मिनट के लिए ऑयल में सोटे किया था। साथ में थोड़ा सा जीरा डाल के फ़ौरन ही सारी वेजिटेबल डाल दी। तो थोड़ा नमक डाला है बस। अभी इसको मैं गलने के लिए रखूँगी कोई 10-15 मिनट, के बाद इसमें मैं चावल डाल दूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ कीमा एंड मिक्स वेजिटेबल राइस। मैंने ऑयल में बस प्याज डाला, प्याज को ब्राउन नहीं किया, थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाला है, थोड़ी सी कुटी मिर्च डाली है और मैंने थोड़ा डाल के कीमा इसको थोड़ा भुना था बस 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने मिक्स वेजिटेबल डाल दिया। अभी थोड़ा नमक डाल दिया। अभी ये अच्छे से
गलेगा कोई 15 मिनट, इसके बाद में जी तो सब्जियाँ मेरी गल चुकी हैं। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ राइस, इसमें डालूँगी पानी, इसको मैं लगा दूँगी, इसको ढक के पकाऊँगी 5 मिनट, उसके बाद इसको दम लगा दूँगी। ये तो अभी पानी तकरीबन इसमें ड्राई हो रहा है, अभी मैं इसको दम लगा दूँगी। जी तो चावलों को दम लग चुका है, चावल हो गया है मेरे रेडी, तो अभी हम इनको खाएंगे रायते के साथ।